आज मैं आपको इसी स्मार्टफोन के अमेजिंग और हिडन फीचर्स को बताने वाली हूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट फीचर्स की। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर सर्च करना है ईयर गेस्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ईयर गेस्चर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऊपर एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है आंसर ऑन म्यूट कॉल का, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप अपने हाथ को कुछ ऐसा करेंगे ना तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक ही उठ जाती है। जैसे कि मैं अभी करके बता देती हूँ, अपना हाथ को ऐसा रखना है और आप ऐसा करेंगे तो कॉल ऑटोमेटिक ही उठ जाएगी। तो ये फीचर्स भी हमें इस स्मार्टफोन में प्रोवाइड किया जाता है और ये काफी कमाल का फीचर्स है, तो आप इसे यूज कर कर देख लेना। और नीचे आपको स्क्रॉल अप डाउन का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। ये ऑप्शन ना YouTube और Instagram वगैरह में शॉर्ट वीडियोस देखते हैं ना, उसके लिए काम का रहेगा। आप अपने हाथ को कुछ इस टाइप से करेंगे तो वो स्क्रीन स्क्रॉल होते जाती है, और आप यहाँ लर्न गेस्चर से उसे सीख भी सकते हैं। और यहाँ से आप सपोर्टिंग ऐप, मतलब कि ये YouTube में, Instagram में और फेसबुक में, तीनों चीजों में सपोर्ट करेगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यूट्यूब को, तो हमने ये यूट्यूब ओपन कर लिया है। अब आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखेंगे और ऐसा करेंगे तो वो स्क्रॉल अप डाउन होते रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है स्पेशल फीचर्स का, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको फ्लैगशिप विंडो का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है गाइस कि जैसे कि हम अभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, और आप ऐसा करेंगे और यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो अब एक और विंडो आपकी यहाँ पर तैयार हो गई है। अब ये हमारी फ्लैगशिप विंडो निकल कर आ गई है। अब आप इसी के साथ एक और एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने मैसेज को ओपन कर लिया, अब हम इसे भी यूज कर सकते हैं और आप इसके साइज को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाती है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो इसके लिए भी आपको सेटिंग में जाना है और स्पेशल फीचर्स के ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है क्विक लॉन्च। इसका क्या मतलब होता है, आपका ये पहले से बंद रहता है ना, तो इसे आपको चालू कर लेना है। अब मैं इसे आगे बताने वाली हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि ये अभी हमारा फोन बंद है और आप ऐसा प्रेस करके रखेंगे ना तो ये इतनी सारी एप्लीकेशन निकल कर आ जाती हैं बाहर, और आप इन्हीं को यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में जाकर कोई भी पांच एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पहले से हमने फेसबुक म्यूजिक वगैरह को ऐड करके रखा है, और ये डायनेमिक आइलैंड में आगे आपको बताने वाली हूँ। अब आपको बैक आना है और यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्मार्ट साइड बार का। साइड से जो बार निकलता है ना उसी को स्मार्ट साइड बार कहते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ से ऐप वगैरह भी एडिट कर सकते हैं, मतलब जिस ऐप को आपको यहाँ पर रखना है उसे आप प्लस के निशान पर क्लिक करके यहाँ पर रख सकते हैं, और अगर जो ऐप आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ माइनस के निशान से उन ऐप को रिमूव भी कर सकते हैं। अब आपको बैक आना है और यहीं से आप उन ऐप को यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमने फोटो को ओपन कर लिया है, और आप इसे आइट साइड भी कर सकते हैं, मतलब इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर बंद करना है तो डबल टैप करेंगे तो वो बंद हो जाती है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो फिर एक लाइक कर देना यार। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की। तो आपको यहाँ पर सेटिंग में आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है प्राइवेसी का। आप यहाँ से ऐप लॉक कर सकते हैं, हाइड ऐप, प्राइवेसी सेफ। अब ऐप लॉक में आप किसी भी ऐप को लॉक करके रख सकते हैं, उनमें पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, और जैसे कि आप चाहते हैं कि मेन्यू में कोई भी ऐप वगैरह ना दिखाई दे तो आपको यहाँ पर हाइड ऐप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप पासवर्ड को डाल देना तो वो ऐप मेन्यू में नहीं देखेगा। जैसे आपका कोई भी प्राइवेट एप्लीकेशन होता है तो आप उसे यहाँ से हाइड कर सकते हैं। अब आप उन्हीं सभी चीजों को देखना चाहते हैं प्राइवेट एप्लीकेशन, तो आपको यहाँ पर डायलर में आना है और जो भी पासवर्ड आपने सेव करा होगा तो उसे डाल देना है। देन आपको यहाँ पर जो है ऐप आपके हाइड हुए थे वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की प्राइवेसी। यहीं पर आपको प्राइवेसी सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि कोई भी फोटो या फिर वीडियो वगैरह होती है ना जो हमारी गैलरी में रहती है तो आप उनको भी हाइड कर सकते हैं। अब ये हमारा फोन बंद है तो अगर आप 3 बार अपने इस पावर बटन को प्रेस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ही
आप जिस नंबर को सेव करेंगे उसके पास कॉल जाने वाली है, कॉल भी जाएगी और मैसेज भी जाएगी। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर सेव एन इमरजेंसी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप यहाँ 3 बार प्रेस करेंगे तो जिस नंबर को भी सेट करेंगे उसको कॉल लगने वाली है। तो आपको इमरजेंसी कॉन्टेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप किसी भी कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कॉन्टेक्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने नंबर को ऐड कर लिया है, आप यहाँ से 2 नंबर भी ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम भी और 1 भी कर सकते हैं। अब हमारा ये फोन बंद है और आप जैसे ही 1, 2, 3 बार प्रेस करेंगे ना तो उसे कॉल ऑटोमेटिक ही लगने वाली है। जैसे आप अभी देख सकते हैं ये हमारी कॉल लगने वाली है, लोकेशन भी जाने वाली है और मैसेज भी जाएगा, मतलब कि उसको कॉल भी लग जाएगी, लोकेशन भी चली जाएगी आपकी और मैसेज भी चला जाएगा। अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं ना तब आपके लिए ये फीचर बहुत ज्यादा कमाल का हो सकता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो इसके लिए भी आपको सेटिंग पर ही आना है और आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। डार्क मोड ये तो सभी को पता है, बट आप डार्क मोड कर लेते हैं ना तो इससे आपकी बैटरी भी सेव होती है। और यहीं पर आपको बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है, जैसे डार्क मोड सेटिंग, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको डार्क मोड किस टाइप का चाहिए, जैसे कि आपको ज्यादा कलर वाला चाहिए या फिर मीडियम में चाहिए या फिर इनहेंस में चाहिए। और यहीं से आपको ऑब्जेक्ट वॉलपेपर टू डार्क मोड, मतलब आप वॉलपेपर में भी डार्क मोड अप्लाई करना चाहते हैं और जो आपके आइकन वगैरह होते हैं ना आप उसमें भी डार्क मोड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, तो आपको बैक आना है, यहीं पर आपको नीचे स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि विविड आपको और भी अच्छा कलर देखने के लिए मिलेगा और आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि कूल हो गया, डिफॉल्ट हो गया या फिर जैसे कि बाम हो गया। अब बाम का मतलब ये है कि आपको जो कलर है वो बहुत ज्यादा पंची देखने के लिए मिलेंगे और आप इसे खुद यूज करेंगे ना जब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की, आप जैसे कि अभी कैमरे में लाइट देख रहे हैं, इसे मैंने कैसे अप्लाई करी हूँ अब आपको मैं बता ही देती हूँ। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्रोम पे जाना है और वहां पर आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है रिंग रिंग ऐप। आपको क्रोम पर सर्च कर लेना है और आप इस तरह से रिंग रिंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको यहाँ पर रिंग रिंग ऐप देखने के लिए मिल गया है, आपको यहाँ से ओपन कर लेना है इसे और आप यहाँ से कैमरे की लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से और आप इसके कलर वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं और चार्जिंग वाला एनिमेशन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अभी मैं और भी फीचर्स बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपकी हेल्प हुई तो फिर एक लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।